हेलो गाइस एंड वेलकम टू सीरीज़ ऑफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो आज हम देख लेते हैं हरीश रावत जी के बारे में। हरीश रावत का जन्म 27 अप्रैल 1947 को मोहनरी गांव चैनियाला अल्मोड़ा में हुआ था। वह छात्र जीवन से ही भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ गए थे तथा 1973 में कांग्रेस की जिला युवा इकाई के प्रमुख चुने जाने वाले वह सबसे कम उम्र के युवा थे। ब्लॉक स्तर से राजनीति की शुरुआत कर वह पहली बार 1980 में अल्मोड़ा सीट से बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी को हराकर लोकसभा सांसद चुने गए। वह इसी क्षेत्र में 1984 व 1989 में भी सांसद बने। इसके बाद वह 1991, 96, 98 व 99 में लगातार चार चुनाव हारे। 1992 से 1997 तक वह अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। 2001 में वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। अगले ही वर्ष 2002 में उन्हें उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य चुना गया। 2009 में इन्होंने हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा की सीट जीती और केंद्रीय मंत्री बने तथा 2012 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह सरकार में जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य किया। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता के आने के बाद विजय बोगना के पश्चात 1 फरवरी 2014 को इन्हें सत्ता की कमान सौंप दी गई। 18 मार्च 2017 राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इनके कार्यकाल के दौरान राज्य में 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में वह दो सीटों से चुनाव लड़े थे जिसमें वे दोनों सीटों से हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लड़ते हुए बीजेपी के अजय भट्ट से पराजित हुए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।